स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। मैं आपकी इंग्लिश टीचर उषा मैम। आज हमने लेसन नंबर 9 संत रविदास, जिसकी हमने ऑलरेडी इसकी डिटेल में समरी हम कर चुके हैं, मेरे ख्याल में सबको समझ आ गई होगी। तो आज हमने उसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स समझ आएंगे। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो हमें हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो इससे बेटा हमें मोटिवेशन मिलता है और तभी हम आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आ सकते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हेन डू सेंट्स एंड सेजेस अपीयर ऑन द अर्थ, कि साधु संत धरती पर कब दिखाई देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेन एवर द सोशल एंड मॉरल लाइफ ऑफ द पीपल शोज साइन ऑफ डिके, सम सेंट्स एंड सेजेस अपीयर ऑन द अर्थ। जब कभी भी सामाजिक और नैतिक जिंदगियां लोगों की, उनका पतन होना शुरू होता है, तभी कोई ना कोई साधु महात्मा पृथ्वी के ऊपर जन्म लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज रविदास इन्फ्लुएंस हिंदू सोसाइटी, रविदास ने हिंदू सोसाइटी को कैसे प्रभावित किया। ही इन्फ्यूज्ड न्यू लाइफ एंड वाइटलिटी इनटू द हिंदू सोसाइटी एट ए क्रिटिकल पीरियड इन हिस्ट्री, इतिहास के जब बहुत ही कष्टदायक समय था, कठिनाइयों भरा समय था, उस वक्त उन्होंने, रविदास जी ने हिंदू समाज में एक नई जिंदगी और उत्साह भरा। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर वाज रविदास बॉर्न, कब और कहां पर रविदास का जन्म हुआ, वो कहां पैदा हुए थे। तो आंसर है, संत रविदास वाज बॉर्न इन द ईयर 1377 एट बनारस, द होली सिटी ऑफ द हिंदू, हिंदुओं की पवित्र शहर का पवित्र शहर जो था बनारस, वो 1377 ईस्वी में संत रविदास का जन्म हुआ था। वट डिज़ायर ऑफ हिज पेरेंट्स रिमेंड अनफुलफिल्ड, तो कौन सी इच्छा उसके पेरेंट्स की जो कि पूरी नहीं हो सकी। तो आंसर है, हिज पेरेंट्स वांटेड टू हैव हिम एजुकेटेड, उनके माता पिता रविदास के, वो उनको पढ़ाना चाहते थे, बट देयर डिज़ायर वाज रिमेन अनफुलफिल्ड, लेकिन उनकी इच्छा हमेशा अनफुलफिल रही जो कि पूरी ना हो सकी। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट कुड रविदास नॉट कंटिन्यू विद हिज स्टडी, कि रविदास अपनी स्टडी को कंटिन्यू क्यों नहीं कर सके। आंसर है, रविदास जी फाउंड एन अनफ्रेंडली एटमोसफियर एट स्कूल, तो उनको स्कूल में कोई, जिसको कहती है, मित्रता का वातावरण नहीं मिला, सो ही कुड नॉट पुट हिज हार्ट इन टू हिज स्टडी, तो वहाँ पर वो अपने दिल को पढ़ाई में नहीं लगा सके, यानी कि मैत्रीपूर्ण व्यवहार वहाँ पर नहीं था स्कूल में। सिक्स क्वेश्चन है, वट वॉज इट दैट लेफ्ट ए डीप स्कार ऑन हिज माइंड, कौन सी चीज़ थी जिसने उनके दिमाग के ऊपर गहरा घाव छोड़ दिया था। He had a very painful and unpleasant experience at the school. उनको स्कूल में बहुत ही दर्दनाक और अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला था, अनुभव नहीं हुआ था। It left a deep scar on his mind. और इसी ने उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा घाव छोड़ दिया था। Seventh question, what did रविदास teacher notice about him? रविदास के टीचर ने उनके बारे में क्या नोटिस किया। आंसर है, रविदास टीचर नोटिस दैट ही वाज नॉट एन ऑर्डिनरी चाइल्ड, उन्होंने ये अनुमान लगाया कि वो एक साधारण बच्चे नहीं थे। ही वाज डेस्टिन्ड फॉर हायर पर्पस इन लाइफ, वो जिंदगी में कुछ ऊंचे उद्देश्य के लिए इस धरती पर उन्होंने जन्म लिया है, किसी खास मकसद के लिए, महान कार्य के लिए, यानी कि इस धरती पर वो पैदा हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ, हु वाज रविदास इन सर्च ऑफ एंड व्हाई, रविदास किसकी खोज में थे और क्यों। रविदास जी वाज इन सर्च ऑफ सम स्पिरिचुअल टीचर हु कुड शो हिम द राइट पाथ, वो एक ऐसे आध्यात्मिक अध्यापक की खोज में थे
जो उनको सही रास्ता दिखाए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड स्वामी रामानंद डू फॉर रविदास? स्वामी रामानंद ने रविदास के लिए क्या किया? ही काइंडल्ड स्पिरिचुअल फ्लेम इन रविदास जी एंड दैट चेंज्ड हिज लाइफ। उन्होंने रविदास के दिल में एक आध्यात्मिक ज्योत का को हमेशा के लिए जागृत कर दिया और उसने उनकी ज़िंदगी को बिल्कुल ही बदल दिया। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन डिड स्वामी रामानंद आस्क रविदास टू गो बैक होम? कब स्वामी रामानंद ने रविदास को घर वापस जाने के लिए कहा? आंसर है व्हेन स्वामी रामानंद जी वाज सेटिस्फाइड, जब स्वामी रामानंद जी सेटिस्फाई हो गए, संतुष्ट हो गए दैट द स्पिरिचुअल फ्लेम हैड बीन काइंडल्ड परमानेंटली इन रविदास जी, की जो आध्यात्मिक ज्योत थी वो हमेशा के लिए रविदास में जागृत हो गई थी। ही आस्क्ड हिम टू गो होम, तब उन्होंने उनको घर जाने के लिए कह दिया। 11 क्वेश्चन, व्हाट प्लेस डिड संत रविदास चूज फॉर हिज मेडिटेशन? कौन सा स्थान संत रविदास जी ने अपनी मेडिटेशन के लिए, अपनी समाधि के लिए चुना? ही चूज ए पीसफुल एरिया ऑफ द फॉरेस्ट इन बनारस फॉर हिज मेडिटेशन। बनारस के जंगलों में एक क्षेत्र जो कि उन्होंने अपनी समाधि वहाँ पर लगाने के लिए वो चुना। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डिड संत रविदास सेव द डियर फैमिली फ्रॉम द हंटर? संत रविदास जी ने और वो हिरनी की जो परिवार था उसकी रक्षा उस शिकारी से किस तरह से की? आंसर है संत रविदास जी सेव्ड द डियर फैमिली, उन्होंने हिरनी की के परिवार को बचाया फ्रॉम द क्रूअल हंटर, निर्दयी शिकारी से। विद ही स्वीट वर्ड्स, अपने मीठे शब्दों से और चार्मिंग पर्सनैलिटी और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व से उन्होंने हिरनी की फैमिली को बचाया, उसके परिवार को बचाया शिकारी से। तो क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट चेंज केम इन द हंटर आफ्टर हिज कॉन्टैक्ट विद द संत रविदास? हंटर में कौन सा बदलाव आ गया जब वो संत रविदास के कॉन्टैक्ट में आए? तो आंसर है ऑल द इवल थॉट्स इन हिज माइंड वर वाश्ड अवे, जितनी भी बुरी विचार थे उसके दिमाग में वो सारे ही उन्होंने धो डाले। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वर द मेन पॉइंट्स ऑफ संत रविदास जी टीचिंग्स? अब उन टीचिंग्स का मतलब होता है शिक्षाएं। उनकी शिक्षा, संत रविदास की शिक्षाओं के मेन पॉइंट्स क्या थे? आंसर है द मेन पॉइंट्स ऑफ हिज टीचिंग्स वर, मेन पॉइंट्स कौन कौन से थे? सबसे पहले ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड, सभी लोग भगवान की नज़रों में बराबर है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। सेकंड, द डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट कलर एंड क्रीड आर मीनिंगलेस, और जो जाति धर्म रंग के आधार पर हम भेदभाव करते हैं वो सारे ही अर्थहीन हैं। अनटचेबिलिटी इज ए साइन अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, छुआछात जो है वो मानवता के लिए एक अभिशाप है, यानी कि छुआछात की भावना हमें नहीं करनी चाहिए। अब है 15 क्वेश्चन, हाउ डिड संत रविदास पास द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ? उन्होंने अपने ज़िंदगी के आखिरी दिन कैसे बिताए? तो आंसर है ही पास द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ पीसफुली, उन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन बिताए। His spirit remained untouched by the storms and stresses of the material worlds, और उनकी जो आत्मा थी वो इस भौतिक संसार के तूफानों से, stresses से वो उनको टच भी नहीं कर पाई, उनको छू भी नहीं कर पाई। तो ये सारे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मेरे ख्याल में जितने भी मैंने क्वेश्चन आंसर करवाए हैं बेटा आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, जितनी भी इसकी लास्ट में एक्सरसाइज रह गई है तो वो करेंगे। तो थैंक यू वंस अगेन।